ये अपराजिता के पौधे हैं, ये बेल बन जाती है इनकी, लेकिन मैंने कटिंग कर दी है इनकी तो ये पौधे बन गए। इन्हें बीज से आसानी से उगाया जा सकता है। ये इसका बीज है, फली है, इसमें से बीज निकलते हैं। ये पौधे मैंने बीज से उगाए हैं। कुछ पौधे ये हैं, ये भी मैंने बीज से उगाए। ये एक ये है, इस पर फूल आ रहे हैं। इन सबको मैंने बीज से ही उगाया है। इनमें ज़्यादा खाद की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कीड़े भी कम ही लगते हैं इसमें। ये अभी का उगाया हुआ पौधा है। इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। बारिश का मौसम है, इस वजह से कीड़े वीड़े न लगें, मिट्टी में कीड़े न हों, तो इसमें मैं ये खाद है, ये राख है, ये पत्ते की खाद है, ये गोबर की खाद है। ये राख को मैं कीड़े न हों उसके लिए, फंगस न लगे उसके लिए पौधा में डालती हूँ। ये मैंने सुबह गुड़ाई कर दी थी इनकी, और इस तरह से थोड़ी थोड़ी राख डाल देती हूँ। ये पत्तों की खाद है, ये गोबर की खाद है, थोड़ी थोड़ी डाल के ऐसे करके ये मिला देती हूँ। इनमें ढेर सारे फूल आते हैं, अब भी आ रहे हैं, और सर्दियों में थोड़े कम हो जाते हैं, बाद बाकी गर्मी और बरसात में खूब फूल आते हैं। अपराजिता का पौधा कहते हैं वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है। वैसे भी इसे नील कमल भी कहते हैं, इसे कई नामों से जानते हैं। ये सब देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। ये मेरा नीले रंग का है, वैसे इसमें दो तीन कलर आते हैं। इसमें थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, पानी ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो।